हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव में हमने क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम बहुत सारे, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड से भी देखा था और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी देखा था, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक और फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। लर्न कर लो आप। पहला क्या था? एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो अब ना हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए रहेंगे जिसमें कि सबसे पहले मैं साइन का ही लेना चाहता हूँ। एक एक फॉर्मूला मैं लेके चलूंगा और उसके हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू, दिया तो है केवल साइन टू एक्स, बोल रहा है कि साइन टू एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। तो मैंने कर लिया लेट y इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स, या इसको आप f of x भी कर सकते हो, let f of x is equals to y is equals to sine of 2x, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि first principle से तो हम कर ही लेंगे, इस formula का direct application हम कैसे करेंगे उसे देखिए। एक दो मैं आपको practice कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या पढ़ा है, देखिए इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नहीं, कैसा? देखिए a ऐसा, मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, d by d theta of sin theta, है ना, x की जगह मैंने theta ले लिया, तो sin theta का derivative theta के respect में क्या आएगा? cos theta, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा है, और अगर हमारे पास कहीं ऐसा आ जाता है, मान लीजिए sin 2x, तो इसको direct कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं करना है, वही करना है सिंपल जो पहले मैंने आपको बताया था। पहले ना ये देखो, पहले पूरे का कर लो, पूरे का करने का मतलब है साइन के साथ ऐसा छुपा लो और सोचो ये जो कुछ भी होगा वो थीटा होगा। तो क्या किया मैंने, dy by dx is equals to पूरे का किया, का मतलब क्या, का मतलब साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, तो साइन का क्या हो गया cos, और जो भी आगे लगा है उसे लगा दो, एंगल, एंगल कितना है 2x है, वहां कितना था थीटा, into, जब पूरे का कर लिया ना तो इसका करो, ठीक है। देखिए 2x अपने आप में एक एलजेब्रिक फंक्शन है और उस एलजेब्रिक फंक्शन का एक और फंक्शन है साइन, तो यहां पे फंक्शन का फंक्शन है, तो 2x का कितना होता है, d by dx of 2x कितना होता है, 2 होता है, पता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया 2, तो आंसर क्या आ गया, 2 cos 2x डायरेक्ट आ गया, ठीक है। और एक दो करते हैं, देखिए जैसे कि है मेरे पास मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव अगर आपको डायरेक्ट करना है x के रिस्पेक्ट में तो कैसे करोगे, देखिए सिंपल dy by dx, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है sin थीटा का या sin x का क्या होता है cos, मतलब sin का क्या होता है cos, तो sin का पहले पूरे का कर लो, तो sin का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव cos, ठीक, जो भी है उसे लगा दो, तो cos x स्क्वायर into इसका कर लो, ठीक है। और x स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले से, x टू द पावर n से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 2x इनटू cos x स्क्वायर, मतलब देखिए x स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो, एक अपने आप में वो एक फंक्शन है और उस फंक्शन का भी एक फंक्शन है साइन, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, तो चलिए देखिए, जैसे कि ये तो मैंने आपको चलिए डायरेक्ट बताया, बस एक दो ऐसे प्रैक्टिस कराई भी हम लाइन से इसको करते रहेंगे, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें करना है, तो चलिए पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं और उसके बाद हम देख लेंगे डायरेक्ट, इसको तो वैसे मैंने डायरेक्ट करके आपको दिखाई दिया है ना। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू f of x plus h कितना बनेगा, जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां क्या रखोगे x plus h, तो 2 in the bracket x plus h, और थोड़ा सा ध्यान रखिए sin ना एक फंक्शन है, ये जो पूरा लिखा है क्या है, ये एंगल है ना sin के लिए, ठीक है। तो 2 into x plus h क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया f of x plus h, माइनस लगा है लगा दिया, f of x कितना हो जाएगा sin 2x divided by h, ठीक है। अब लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 इनटू x 2x हो गया प्लस 2 इनटू h 2h हो गया, फिर से मैं याद दिला रहा हूं ये साइन के लिए एंगल है, ठीक है।
माइनस साइन ऑफ 2x, ये भी 2x दिस साइन के लिए एंगल है, डिवाइडेड बाय h. अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो आप. यस, साइन c माइनस साइन d. लिमिट में हमने किया है साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d बाय 2 इनटू cos c प्लस d बाय 2. ठीक है, तो ये 2x प्लस 2h कैसा बिहेव करेगा, c जैसा. ठीक है, और ये 2x कैसा बिहेव करेगा, d जैसा. तो लगा देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0. ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d, 2 साइन c माइनस d, c माइनस d बाय 2 इंटू cos c प्लस d बाय 2. cos c प्लस मतलब 2x प्लस 2h, ये c हो गया, प्लस d, d की जगह 2x बाय 2, और डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय h है. ठीक है, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया. ठीक है, तो क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 sin 2h डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए 2h डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा h. ठीक है, तो sin h इनटू cos 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, ये हो गया 4x प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2, और 2 को आप स्प्लिट भी कर सकते हो, ये 2 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो 4x डिवाइडेड बाय 2, 2h डिवाइडेड बाय 2, तो ये देखिए ये 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल h. ठीक है, तो 2x प्लस h ये हमारा बच गया, डिवाइडेड बाय क्या है, h. h को आप sin h के पास ऑब्वियसली भेजोगे. ठीक है, बिकॉज़ आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला बना देगा, यहां पे मैं नोट डाउन कर देता हूं, आपको पता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1. ठीक है, तो 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 को तो निकाल लिया लिमिट से बाहर, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin h बाय h, ये इस पे भी लगेगी लिमिट, और ये जो आपका दूसरा फंक्शन है इस पे भी लगेगी. तो लिमिट, बहुत सारी लिमिट्स हमने करी हुई, h अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ 2x प्लस h. नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, और देखिए थीटा 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 अप्रोचेस टू 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1, 2 इंटू 1 इंटू h की वैल्यू 0 पुट करो आप जब लिमिट अप्लाई करोगे, तो cos ऑफ 2x प्लस 0, तो क्या हो गया, 2 इन 1 जाए 2 हो जाएगा, cos 2x प्लस 0 तो 2x ही होता है, तो 2 cos 2x. ठीक है, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से. और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखिए sin 2x है, तो इसको sin के साथ जो कुछ भी उसको छुपा लो, sin का होता क्या है, डेरिवेटिव cos. ठीक है, तो cos और 2x का कितना होता है, सॉरी cos और cos के साथ जो कुछ भी है. ठीक है, तो पूरे का कर लिया, अब 2x का कर लो, तो into 2x का क्या होता है, 2, तो क्या आ गया, 2 cos 2x, ये देखो. ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और डायरेक्ट करना आना आपको चाहिए. नेक्स्ट देखिए जरा, sin स्क्वायर x है मेरे पास, ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर x, तो y is equals to, इसको देखिए बहुत सारे तरीकों से करेंगे. ठीक है, sin स्क्वायर x है. ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करोगे आप, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h की जगह क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर लगा है, लगा रहने देते हैं, x की जगह x प्लस h, तो ये क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, f ऑफ x की जगह तो उतना ही रहेगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय h. ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला, इसमें आप कौन सा लगाना चाहते हो, एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin a प्लस b into sin a माइनस b, ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको लगा देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 sin, ये कैसा बिहेव कर रहा है, x प्लस h a जैसा, और x कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा, तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin a प्लस b into sin a माइनस
बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एच ए प्लस बी इंटू साइन, इंटू को ऐसे लिख देता हूं मैं डॉट लगा के, साइन ए माइनस बी, ए मतलब एक्स प्लस एच माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच हो गया, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, तो साइन टू एक्स प्लस एच, ये जो कुछ भी लिखा है वो साइन का एंगल है, इंटू साइन एच, और देखिए साइन एच के ही नीचे आप एच को शिफ्ट कर दो, इसको ऐसे बंद करो, ठीक है, इस पर भी लिमिट लगेगी और इस पर भी लिमिट लगेगी, तो इट विल बिकम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस एच इंटू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय एच, ये कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से वन, ठीक है, तो ये तो वन हो गया, और यहां पे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे, तो साइन टू एक्स प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा साइन एच की जगह जीरो आ गया ना, टू एक्स प्लस जीरो टू एक्स और इंटू वन, तो साइन टू एक्स, ये आंसर आ गया इसका साइन टू एक्स, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, आंसर मैं यहां पे अपना नोट कर लेता हूं, कहां नोट कर लूं, यहां पे नोट कर देता हूं, ठीक है, आंसर मेरा क्या है इसका साइन 2x। अब देखो इसको डायरेक्ट करने के तरीके देखिए, पहला तरीका क्या है कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता भाई, डिफरेंस होता है ना, ये देखिए साइन एक्स स्क्वायर लिखा है तो मतलब एंगल जो है उसका स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो उसका मतलब क्या है साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है ये साइन एक्स इंटू एक्स है, ये एंगल इंटू एंगल है, ये फंक्शन इंटू फंक्शन है ना, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या मैंने सोचा, मैंने सोचा ये तो कैसा बन रहा है, ये तो x to the power n type का बन रहा है, तो इसको मैंने छुपा लिया, देखिए dy by dx क्या बताया गया, पहले पूरे का कर लो, तो इसको जब छुपा दिया तो पूरे का जब करेंगे तो 2 कहां आ जाएगा आगे, और जो कुछ भी है उसकी पावर माइनस वन, ये देखिए ना n आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस वन, बट x की जगह यहां पे क्या है, x की जगह यहां पे साइन x है, ठीक है ना, जब पूरे का कर दिया तो किसका करोगे फिर इंटू करके अंदर का, तो अंदर का करो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अंदर क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो टू साइन एक्स की पावर कितना हो गया टू माइनस वन, कितना होता है वन, साइन एक्स की पावर वन का मतलब साइन एक्स ही हो गया वो, और इंटू कॉस एक्स, हाँ भाई ये कोई फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यस ये देखिए साइन टू थीटा होता है ना क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये देखिए थीटा की जगह क्या है एक्स है, तो इससे ऐसे चलेंगे तो क्या बन जाएगा ये साइन टू एक्स आ गया सेम वैसे ही, ठीक है। एक और तरीका देखिए, मान लो एक और मैं यहां पे आपको बात कमेंट करना चाहता हूं थोड़ा सा, मान लीजिए ऐसा होता ना साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तब कैसे करते, फिर से वही फंडा है, पहले ना पूरे का कर लो, तो पूरे का क्या हो जाता टू साइन एक्स स्क्वायर की पावर की होल पावर टू माइनस वन, ये देखिए टू आ गया जाता है, और जो कुछ भी है उसकी पावर माइनस वन इंटू, फिर ना अंदर का करते, अब इसका करते थोड़ा सा ध्यान दीजिए इंटू कॉस, इसका जब करते अंदर का तो इसको छुपा लेते क्योंकि ये भी अपने आप में क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो साइन का क्या हो जाता कॉस, और लगा क्या हुआ एक्स स्क्वायर, फिर किसका करते इसका करते, तो इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, ठीक है, तो ये जो कुछ भी आता वो आंसर होता हमारा, तो बस बाहर से अंदर की तरफ हम डेरिवेटिव निकालते जाएंगे। इसको मैं एक और तरीके से करना चाहता हूं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर तो लिख ही लिया था, मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, हाँ भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो आप, प्रोटेक्ट रूल लगाना चाहते हो, ये देखिए f into g का whole dash, मतलब f into g का derivative निकालना हो तो first function into derivative of second plus second into derivative of first, तो इत्तेफाक से जो first function है वही second function है, तो जब मैंने इसका dy by dx किया तो क्या हो जाएगा first function into derivative of
सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो गया साइन एक्स, तो ये ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। ये देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितने टू टाइम्स, तो क्या हो गया टू टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स होता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल को लगाकर भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन रूट ओवर, ये देखिए भाई वाई इज इक्वल टू क्या दिया आपको रूट ओवर साइन एक्स ऐसा दिया है आपको, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने इतना अज्यूम कर लिया। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से चलिए पहले इसको बना लेते हैं, फिर ना ये डायरेक्ट भी बन जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप बनाओ क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब देख लेते हैं इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना बनेगा भाई जहां जहां पर एक्स है वहां आप क्या रखोगे एक्स प्लस एच, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर साइन तो ऐसे ही रहेगा और एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, माइनस लगा है लगा दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा उतना ही आ जाएगा साइन एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एच, तो इज इक्वल्स टू लिमिट, ठीक है एच अप्रोचेस टू जीरो। थोड़ा सा मैं यहीं पे बनाना चाहूंगा, देखिए इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिमिट में हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप, देखिए आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसको रेशलाइज कर दें, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो कैसा हो जाएगा प्लस, तो इसका रेशलाइजेशन फैक्टर कैसा बनेगा रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच, ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाय, तो इसके रेशलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखिए दिस इज बिहेविंग लाइक ए एंड दिस इज बिहेविंग लाइक बी, ये देखिए ए एंड दिस इज बिहेविंग लाइक बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में बचा उसे बचा रहने देते हैं एच इंटू रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, ठीक है ना, तो ये देखिए ये हट गया, इसी तरीके से ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा ये हट गया, ठीक है ना। अब आप क्या देखते हो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, एक्स प्लस एच इज बिहेविंग लाइक सी एंड एक्स इज बिहेविंग लाइक डी, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है टू टाइम्स साइन सी माइनस डी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स सी माइनस डी बाय टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाय टू सी प्लस डी बाय टू डिवाइडेड बाय एच इंटू रूट ओवर साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना, अब इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू साइन, देखिए h बाय टू बच गया ये h बाय टू इंटू कॉस कॉस एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एच इंटू रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ऐसा हो गया। अब देखो भाई
एच बाई टू है तो साइन को भी अपने नीचे क्या चाहिए होगा, एच बाई टू। तो इस एच को टू से मल्टीप्लाई किया और टू से हमने डिवाइड किया, तो ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए टू, ये टू स्प्रेड कर देंगे, टू एक्स के नीचे भी भेज देंगे, एच के नीचे भी भेज देंगे। तो टू एक्स के नीचे जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, ठीक है ना। नाउ इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, इट विल बिकम लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो साइन एच बाय टू बाय एच बाय टू, है ना, बाय एच बाय टू इन टू क्या हो गया कॉस एक्स प्लस एच बाय टू डिवाइडेड बाय क्या हो गया रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है ना। नाउ अब देखिए लिमिट इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, तो लगा दीजिए इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय टू बाय एच बाय टू इन टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस एक्स प्लस एच बाय टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे लिमिट न्यूमरेटर पर भी लगेगी और डिनोमिनेटर पर भी लगेगी, ठीक है। तो लगा सकते हो आप ऐसे या डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लिमिट्स किए हमने। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो न्यूमरेटर में और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब आपको पता है एज एच अप्रोचेस टू जीरो देयरफॉर डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ साइड, तो एच बाय टू ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो बाय टू का मतलब एच बाय टू अप्रोचेस टू जीरो, तो लिमिट यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए कैसा चाहिए आपको, थीटा 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 अप्रोचेस टू जीरो, तो एच बाय टू एच बाय टू, तो एच बाय टू अप्रोचेस टू जीरो, तभी तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल्स टू वन इन टू, यहाँ पे भी आप लिमिट चेंज कर सकते हो एच बाय टू अप्रोचेस टू जीरो, तो ये एच बाय टू कितना हो जाएगा जीरो, या सिंपल एच अप्रोचेस टू जीरो तो जीरो बाय टू भी कितना होगा जीरो, आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। कॉस एक्स प्लस जीरो एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी लिमिट अप्लाई कर दी, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू वन तो कॉस एक्स ही रहेगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, टू टाइम्स रूट ओवर साइन एक्स हो गया। डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या किया मैंने, मैंने ना मैंने पढ़ा हुआ है, देखिए d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स हमने सॉल्व किया था, मैंने बोला था लर्न कर लो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, रूट ओवर एक्स वन बाय टू रूट एक्स होता है, ठीक है ना। तो यहां पे भी वही होगा, क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले पूरे का कर लो मतलब इसको छुपा लो, तो रूट ओवर जो भी कुछ होता है, रूट ओवर जो भी कुछ होता है वन ओवर टू रूट, वही आता है क्या x था, x आया साइन एक्स है तो क्या आएगा साइन एक्स इन टू, ये तो हमने x का पढ़ा हुआ है, ये क्या है साइन एक्स है, तो क्या बोला पूरे का कर लो फिर अंदर का कर लो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। अब x का भी कर लो, तो x का कितना होता है वन इज इक्वल्स टू वन ओवर रूट ऑफ साइन एक्स इन टू कॉस एक्स इन टू वन कॉस एक्स, तो क्या हो गया कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट ओवर साइन एक्स, वैसा ही आंसर आया। अब देखिए अब आप इसको ऐसे करना चाहते थे तो ऐसे कर लो, y is equals to sin x की पावर कितना लिख दिया आपने 1 by 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy by dx is equals to, ठीक है, इसको छुपा के पहले पूरे का कर लेते हैं, तो 1 by 2 आगे आ जाएगा, कौन से फॉर्मूले से x to the power n के डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n विद रिस्पेक्ट टू xn x to the power n minus 1 से, ठीक है ना। तो 1 by 2 आगे आ गया और x जैसा भी है, यहाँ पे x की जगह कौन है sin x, तो sin x to the power 1 by 2 minus 1, देखिए पूरे का किया है अब अंदर का कर लो, तो sin x का क्या होता है cos x, अब और अंदर का कर लो तो x का क्या होता है 1, तो is equals to 1 by 2, ठीक है, root over sin x, इसको आप solve करोगे तो उतना ही आएगा और ये हो गया cos x, वैसे भी आ गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन है मेरे पास f of x is equals to, मतलब ये f of x is equals to y, तो हम लोग ही लेट करते हैं, क्वेश्चन बस दिया हुआ है साइन ऑफ रूट x, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के बाद हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन है तो देखिए हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है, f dash of x is equals to limit h approaches to zero, ठीक है, h approaches to zero, f of x plus h minus f of x divided by two, sorry divided by h, ठीक है, तो is equals to limit h approaches to zero, f of x plus h की जगह क्या आ जाएगा, साइन रूट ओवर, जहां पर x है वहां पर x plus h, माइनस f of x की जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, रूट ओवर x plus h c जैसा बिहेव कर रहा है, और रूट ओवर x कैसा बिहेव कर रहा है, d, बिकॉज ये साइन के लिए एंगल है ना, रूट ओवर x plus h और रूट ओवर x साइन के लिए एंगल है, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट h approaches to zero, sin c minus sin d, क्या होता है, 2 sin c minus d, मतलब root over x plus h minus root over x, c minus d by 2 into cos c plus d by 2, cos c, मतलब root over x plus h, cos c plus d, मतलब root over x by 2, ठीक है, divided by, क्या हो जाएगा, h, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखिए हमको यहां पे क्या करना है, हमको यहां पे थोड़ा सा सोचना होगा कि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कुछ ऐसा ही हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाय टू, ये हमारा है ना। अब देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो ना, sin theta by theta is equals to 1 वाला, तो देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, पूरा ये जो कुछ भी लिखा है ये theta जैसा बिहेव कर रहा है, और sin को अपने नीचे यही चाहिए, तो sin को अगर अपने नीचे यही चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ना न्यूमरेटर में इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसको मैं शिफ्ट करके लिखता हूं, जगह नहीं है यहां पे, है ना। तो cos c plus d को मैं ऐसा लिखता हूं, cos c plus d by 2, ठीक है। अब देखिए sin को अपने नीचे ये चाहिए, तो क्या किया मैंने, h को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए उधर, और शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में भी मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, कितने से, रूट ओवर x plus h माइनस रूट ओवर x डिवाइडेड बाय 2, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में भी मैंने किया, तो रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय 2। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज ये वाला फॉर्मूला बन जाए, थीटा थीटा मैच करना चाहिए, थीटा थीटा मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इज इक्वल्स टू, देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा लिमिट के, लिमिट h approaches to 0, ये हो गया sin root of x plus h minus root of x divided by 2 or divided by root of x plus h minus root of x divided by 2, ये देखिए theta, और ये भी कैसा theta, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, limit change होना चाहिए,